नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। शास्त्रों में कहा गया है कि त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को उसका खोया हुआ मान सम्मान, धन वैभव और पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रदोषवत अगर शनिवार के दिन होता है तो उसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शनि देव को मनाने के लिए शनि प्रदोष व्रत बहुत फलदायी है। ये व्रत करने वाले पर शनि देव की असीम कृपा होती है। शनि प्रदोष व्रत शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए उत्तम होता है। ये व्रत करने वाले को शनि प्रदोष के दिन प्रातःकाल में भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके पश्चात शनि देव का पूजन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि जुलाई माह में कब है शनि प्रदोष, क्या रहेगी त्रयोदशी की तिथि, पूजन का समय, पूजन विधि और क्या है इसकी कथा और महत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। शनि प्रदोष के दिन शनिदेव और शंकर जी की पूजा एक साथ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष और पुष्य नक्षत्र के योग में शनिदेव की पूजा करके ब्राह्मणों को तेल का दान करने से भी शनि दोष में राहत मिलती है। मान्यता है कि ये व्रत करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। तो चलिए जानते हैं कब है जुलाई माह में शनि प्रदोष व्रत। शनि प्रदोष 18 जुलाई 2020 दिन शनिवार को है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 18 जुलाई की रात 18 जुलाई की सुबह 12:33 या 17 जुलाई की रात 12:33 और समाप्ति होगी 18 जुलाई की रात 12:41 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 18 जुलाई 2020 दिन शनिवार को शाम के 7:20 से 9:23 तक। कुल अवधि रहेगी पूजन की 2 घंटे 3 मिनट की। चलिए जानते हैं शनि प्रदोष की पूजन विधि क्या है। शनि देव की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था जो गरीबी में दिन गुजार रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य मुनि के पास गई। ऋषि से अपना हाल बताते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं और मेरे परिवार बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजपुत्र है जो राजपाट से जाने के बाद मेरे पास ही रह गया। उसका नाम धर्म है और छोटा पुत्र सुचिव्रत है। हमें कोई उपाय बताए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। मुनि ने सब स्थिति को जानकर शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत का प्रारंभ करने के कुछ दिनों बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र धर्म की मुलाकात गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। ने बताया कि वो विद्रविक नाम के गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। विद्रविक ने भगवान शिव के आदेश से अपनी पुत्री का अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्म से करवा दिया और राजपाट प्राप्त करने में उसकी सहायता की। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मणी के घर में सुख समृद्धि आ गई। बोलो भगवान शंकर की जय। तो ये थी कथा प्रदोष व्रत की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।